बनाना आता तो है ना। तेरा भाई सेफ है, सेफ। क्योंकि भाई इतना सारा जो क्या बोलते हैं आटा भीग जाएगा, सांड जैसा खाता है तू, तो इतना तो बनाना पड़ेगा। सांड कौन है वो तो दिख रहा है सबको। तो यहाँ रोटी बनाई जा रही है और यहाँ मैं टमाटर काट रहा हूँ क्योंकि हम सैंडविच भी बनाने वाले हैं। तो हमने सिर्फ बाहर से पनीर की सब्जी ही मंगाई है क्योंकि हमने जब रोटी देखी तो रोटी सिर्फ प्लेन रोटी 24 रुपए की, 24 रुपए की भी मतलब 24 रुपए। अरे मच, और वो बटर वाली कितने की थी? 26, 2 रुपए ज़्यादा। लेकिन 24 रुपए तो बहुत ज़्यादा है, 15-20 तक समझ सकते अभी। 24 की फिर एक ही, सिर्फ एक ही, उससे अच्छा तो भूखा मर जाना अच्छा है। रेस्टोरेंट की क्या बोल रहा है? अरे फंस गया मुंह में। हरियाली में से मंगाया है तो हरियाली जाएगी ना तेरी। बात सही है। ये भी है बट बहुत ज्यादा है ना कुछ, क्या बोलते हैं वो, इसलिए हम अभी घर पे ही रोटी बना रहे हैं। सस्ता और टिकाऊ और हेल्दी हेल्दी। मैं तो कहता हूँ ये बना के हम 24 रुपए में बेचते हैं। मस्त प्लानिंग। पैसा ही पैसा हो गया, इतने बुरे दिन नहीं है। देखते हैं अभी कैसी बनती है सब्जी, तो अच्छी आने वाली है। बट अभी रोटी का देखते हैं कैसी बनती है। ये बहुत मेहनत का काम है बच्चे। मम्मी कैसे करती है? हैट्स ऑफ टू आवर मम्मीज। मम्मी लोग बहुत काम करते हैं। सालों 10-10 रोटी खा जाते हो पहले रोट। दिमाग के लोटे। ओ भाई। डाला आटा, आटा, आटा गूंदो पहले जाके, उसके बाद 10 रोटी खाओ। समझे? वार्ता अमृत है। कई लुआ वार। कैसी अपमान जाने बातें करा रहा ये? कागड़ा वाली। एक्चुअली है ये लोना। एकदम कड़क माल है ना। थोड़ा ये सेला मेरा वाला मस्त। तो हम अभी नहाए भी नहीं है। मैं नहा रही हूं। मैं नहीं नहा। तो हम नहाए बगैर भी ब्लॉग बना देते हैं और लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए 4 बार मुंह धोते हैं। इसका मुंह धोने के लिए इतना पानी चला जाता है कि पूरी टंकी खाली हो जाती है, इतना बड़ा मुंह है इसका। तेरा देख ना, तेरा देख, खुद देख पहले। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। लारी पर नहीं बोला रोटी बनाया वाला आवाज है ना, सेम ही बोला बिल में। मैं वहाँ भाई से अपनी वाले लोगों ना कच्चे मर भी आली ला लो कोई। सब्जी आ गई है। ओ बाप रे, डोड़े तो बीमारी। ओए होए, ओए होए, ओ हो, आ आचार भी है। जय माता। वाह क्या बात है, मसला ठंडी था ये सब कड़क। अभी देखते हैं कौन से देश का नक्शा बनता है। कुछ भी बनेगा लेकिन गोल तो नहीं बनेगा पूरा, देखते हैं। चैलेंज। अरे वाह, गोल गोल बन रही है। वाह प्रमित, वाह। गोल बने हुए, गोल बने देखा, बहुत बड़ी नहीं बनी। बहुत बड़ी नहीं बनता, इतना खाता है तो बड़ी बनानी पड़ेगी ना। एकदम परफेक्ट गोल गोल। वाह, बिग साइज रोटी। तो आटली मोटी गोल तो कोई थी ना बना। बात तो सही है। बिग साइज एंड परफेक्ट शेप।
बहुत बढ़िया पर। अरे वाह, तो मेरा काम है इसे सेकना और इसका काम है इसे बेलना। परफेक्ट गोल गोल। ये बेलेगा, मैं सेकूंगा और फिर खाएंगे सारी की सारी। ये खा जाएगा, इतनी बड़ी तो एक एक भी नहीं खाई जाएगी मेरे से, मुझे लगता है। सब्जी ऐसी है, सब खा जाएगा। सब्जी तो सेक्सी है मेरी तरह। बॉडी भी मस्त मोटी बन सकती। फील नहीं थी। तेल काटने भी जुगाड़ है। आज की रोटी खाने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा ऐसा लग रहा है। ओए ओए। ये कौन सा सेब है? ये स्पेशल रोटी है हमारी, ना चौरस है ना गोल है, कौन सा है? का बवासीर बना दिए हो? स्पेशल तो। अब इसको मतलब सीखूंगा कैसे मैं? हाँ ये समस्या है, तेरे मुंह जितनी बड़ी है। गजब बेइज्जती है। अभी मजा है खाने से जल गई। ऐसे ही खाने के मजा आता है। पर तो अभी रोटियां हो चुके हैं रेडी और अभी सैंडविच पे काम चल रहा है। हम सैंडविच भी खाने वाले, हम सैंडविच भी खाने वाले। क्या गिरा, क्या गिरा? बटरी बटरी स्मेल, गार्लिक बटर की स्मेल। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। तो अभी सैंडविच का प्लान कैंसिल, सिर्फ गार्लिक ब्रेड ही बना रहे, क्योंकि गार्लिक ब्रेड के साथ हम सब्जी भी खा सकते हैं। नहीं, सब्जी के साथ गार्लिक ब्रेड खा सकते हैं। उल्टा बोला है ना। और रोटी इतनी सारी हो गई है कि सैंडविच चीजें। Six and a half hours late. तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरा भी प्लान जिम जाने का है। हम सुबह भी गए थे, लेकिन सुबह क्या है कि हमको घर वापस जल्दी आना था जिम से, तो सिर्फ लेग्स का वर्कआउट ही हुआ। लेग्स के साथ हम शोल्डर भी करते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं था तो नहीं हो पाया। तो अभी कुछ करने को है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं जिम। क्या है कि आज जब शोल्डर मिस हो गए, मतलब हर बार होता है ऐसा कि जब कोई मसल कोई वर्कआउट मिस हो जाता है तो लाइक पूरा दिन ऐसे सोचता है, ऐसा ही दिमाग में आता है कि आज ये मसल रह गया, आज ये वर्कआउट रह गया। तो मैं अभी नहीं जाऊंगा ना, तो रात को नींद भी अच्छी नहीं आएगी मुझे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना मुझे। तो चलो फटाक से जाते हैं, फटाक से वर्कआउट ख़त्म करते हैं और आते हैं, क्योंकि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। तो ये ना अभी हर टाइम का हो गया, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना बारिश होती है, पता नहीं क्यों ऐसा जोर है। हम अभी 2-3 दिन पहले भी बाहर खाने गए थे, तब भी बारिश हुई थी। उसके पहले भी खाने गए थे, तब भी बारिश हुई थी। लगता है बारिश का कुछ कनेक्शन है अपने से। प्यार हो गया है आपको हमसे? हाँ, तो अगर आपका जिम लाइक फ्लोर पे है, मतलब 3rd या 4th फ्लोर पे है, तो मैं आपसे ये प्रिफर करूँगा कि आप सीढ़ियाँ चढ़ कर जाए। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है आप थोड़ा थोड़ा हाँफने लगाओगे, आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाएगी। सो वर्कआउट से पहले ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको करना है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो फिर कोई बात नहीं, फिर अलग बात है। वर्कआउट इज डन,
मोस्टली अभी जिम खाली था क्योंकि आज वैसे भी ब्रेक डे है तो जिम खाली था, तो अच्छी तरीके से हुआ वर्कआउट। और मैंने अभी बोला कि लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, तो मैं अभी लिफ्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि अगर मैं वहाँ से चल के आता तो पहली बात तो लाइटिंग की प्रॉब्लम होती क्योंकि मुझे ये व्लॉग करना था, और दूसरी बात कि ऐसे ऐसे मतलब फ़ोन की स्टेबिलिटी नहीं रहती अगर मैं स्टेप्स उतरता तो, इसके लिए, वरना मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता। हे थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेक्सी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।